फ्रेंड्स, टाइम एंड वॉक के पांचवें पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग फ्रेंड्स लिविंग एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो आप इसमें हर एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो गारंटी है कि एग्जाम्स में फ्रेंड्स लिविंग और ज्वाइनिंग से आने वाली एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स दो मेथड से बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग सिंगल सिंगल मेथड करने वाले हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फ्रेंड्स मेथड वन देख लेते हैं अपना। फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, ए कितना डे में करता है। देखो ए कितना डे में करता है, 15 आवर है ना, आवर है सॉरी, 15 आवर है। तो 1 आवर में कितना कर लेगा भैया बताओ, 1/15 पार्ट है ना, 1/15 पार्ट। बी कितना डे में करता है भाई, 12 आवर में। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/12 पार्ट है ना। उसी तरह से फ्रेंड्स सी कितना है, 20 आवर में क्या है, 1 आवर है। तो 1/20 पार्ट कर लेगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना में, है ना। तो चलिए ये 4 बजे तो है, 4 AM ए और बी सी स्टार्ट टुगेदर, ठीक है। ए बी सी तीनों ने स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया, ठीक है। चलो एक साथ स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। आफ्टर वर्किंग 2 आवर फ्रेंड्स, 2 आवर, ठीक है। ए लेफ्ट एंड बी लेफ्ट 2 आवर बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। इन व्हाट टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। इसे मैं 2 पार्ट में पहले ही कर दूं कि मैं इधर ना जाऊं कैलकुलेशन करने के लिए। फ्रेंड सिंपल सोचो कि एक बात बताओ, एक ने इतना पार्ट काम किया, बी ने इतना पार्ट काम किया, सी ने इतना पार्ट काम किया एक एक आवर में, ठीक है। और वो द होल वर्क विल कंप्लीट, कंप्लीट हुआ टोटल, तो भैया वर्क कंप्लीट हो ही गया है। मतलब जो टोटल पार्ट ऑफ वर्क है वो फ्रेंड्स 1 आएगा। अगर मैं पता कर लूँ कि ए ने कितना घंटा काम किया, बी ने कितना घंटा काम किया और सी ने कितना घंटा काम किया, तो इस तीनों पार्ट का समेशन तो वैल्यू फ्रेंड्स 1 होना है। अगर मान लेते हैं कि ए ने 2 घंटे काम किया, बी ने 3 घंटे काम किया, सी ने 4 घंटे काम किया, तो 3 घंटे, ये 4 घंटे, ये 5 घंटे, लेट से ये दो सॉरी ए ने 2 घंटे काम किया, बी ने 3 घंटे काम किया और सी ने फ्रेंड्स 4 घंटे काम किया। तो 2/15 पार्ट प्लस 3/12 पार्ट प्लस 1/20 पार्ट, इस तीनों पार्ट का फ्रेंड्स समेशन क्या होगा, 1 होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसे आपको चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी, ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ये बिल्डअप करनी है आपको अपने आप, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं कि टोटल वाई डे लगा इसे कंप्लीट होने में। वाई डे क्या माने फ्रेंड्स, एक्स डेज ही मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स डेज माना कि कंप्लीट करने में लगा। फ्रेंड्स क्या बोलता है कि ए ने जस्ट, तीनों ने एक साथ शुरू किया और ए ने 2 घंटे बाद ही छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ए ने तो 2 ही आवर काम किया ना, ए ने कितना आवर काम किया, 2 आवर काम किया। और बी जो है कंप्लीट होने से 2 घंटे पहले छोड़ देता है फ्रेंड्स। तो मान लिया कि इसने एक्स माइनस 2 आवर तक काम किया, अच्छा तो बी लेफ्ट, हाँ तो फ्रेंड्स सी ने तो टोटल एक्स का एक्स आवर काम किया है। तो चलो देख लो, हो गया बात खत्म। इसने 2 काम किया तो 2/15 प्लस, इसने एक्स माइनस 2 काम किया तो एक्स माइनस 2/12, इसने टोटल एक्स काम करा तो एक्स बाई 20, ये टोटल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से काफ़ी आसानी से इसे फाइंड कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा 8, 12 × 5 = 60, तो 5x - 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3x = 60। आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 8x - 2 = ये 60 फ्रेंड, तो ये उधर मैंने भेज दिया स्क्वायर सिम, तो यहाँ रहने दें इसे। तो 8x - 2 = फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 60। तो 8x - 2 = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 60। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया फ्रेंड्स, 62 by 8 या फिर फ्रेंड्स 31/4 है ना, ये कट के तो यहीं आने वाला है। तो हमने तुरंत कितना जल्दी फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट से भी फ्रेंड आप काफ़ी तेज़ी से बना पाएंगे। ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसे मैंने जो समझाया है वो समझें कि
2 घंटा में ये कितना पार्ट करेगा, इतना पार्ट, एक्स माइनस 2 घंटा में कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आवर में कितना करेगा, एक्स बाई 20 पार्ट। तो तीनों पार्ट की समेशन कितनी होनी, काम तो एक ही पार्ट है ना भाई, हो गया काम खत्म, आंसर हो गया। चलो इसे मैं दूसरी मेथड से भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये चलो देखो, ए क्या है 15, बी क्या है 12, सी क्या है फ्रेंड्स, सॉरी 15 12 20, ओके ठीक है। इस तीनों की एलसीएम को वर्क मान लो 60, ठीक है। यहाँ फ्रेंड इसकी इफिशियंसी निकाल लो 4 5 3, इतना यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे, इतना यूनिट पर डे। उसी तरह से मान लो कि टोटल वर्क इसने कितना यूनिट माना है, 6। अच्छा बात करो, अब जैसे देख लो यार कि एक्स ने लेट से 2 आवर काम करा, यहाँ भी आपको वही कॉन्सेप्ट, वाई ने एक्स माइनस 2 और सी ने एक्स, ये कैसे हुआ फ्रेंड्स आप जानते हैं, मैंने इसे जस्ट पहले ही किया है इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। आप यहाँ करो, ये कितना काम कंप्लीट करा, 8 यूनिट इसने कंप्लीट करा, 5x-10 इसने कंप्लीट करा और 3x इसने कंप्लीट करा, और टोटल कितना हो गई 60। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी, उसी तरह से 8x-2 = 60, 8x = 62, इसीलिए x = 62/8। तो आप इस प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का दोनों सेम चीज़ है, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से ध्यान से और मन लगाकर समझेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी कभी किसी क्वेश्चन में ना हो। ए कंस्ट्रक्टर अंडरटेक्स ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, फ्रेंड्स 40 डेज उसने कहा कि भैया आप मुझे काम दो, मैं 40 डे में आपका कर दूंगा। ही इंगेजेज 100 मैन, ठीक है फ्रेंड्स, इसने 100 मैन इंगेज करा, ठीक है। आफ्टर 35 डेज, फ्रेंड्स एक चीज़ देखना है आपको, मैंने कहा था कि जो मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स देखिए मैन है और डे है और कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है चल लग जाना चाहिए कि मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगी। तो लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझना है कि मैंने उस समय क्या बोला था कि मैन इनटू डे की कॉन्सेप्ट आप उसी समय लगाओ जब आपकी टाइम जो वर्क है, वर्क की जो क्वान्टिटी है वो सेम हो, ठीक है। तो वर्क की क्वान्टिटी सेम किस पॉइंट पर होगी वो देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 100 आदमी ने 40 दिन काम करा तो फ्रेंड्स उसकी कुछ तो कुछ पार्ट काम कर दिया होगा, तो उस इंस्टेंट पे फ्रेंड्स आपको ये मैन टू डे लगाना है जहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन मैंस के बीच में जो है वो हो रहा हो, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ए ने काम करना स्टार्ट करा, यहाँ से फ्रेंड्स 35 डेज तक चला तो लेट से फ्रेंड पॉइंट बी आया जहाँ पर 100+100 मैन ने काम करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स यही आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इसी बी पर ना फ्रेंड्स 100 मैन ऐड हुआ है, तो एडेड टू कंप्लीट द वर्क, 100 मैन एडेड एंड कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीट इफ ही हैड नॉट इंगेज्ड द एडिशनल मैन। फ्रेंड ये काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो उसे आप अच्छे से देखें कि फ्रेंड 100 जो मैन है उसने काम करना शुरू करा, 35 दिन के बाद 100 मैन और आ गए, तो कितने दिन शेड्यूल से ख़त्म हो जाएगा कि अगर उसे करना है, ठीक है फ्रेंड। तो एक चीज़ देखिए, इसे कितना डे में ख़त्म करना था, 40 डे में, और इसने 35 डे तक काम किया, ठीक है। तो फ्रेंड सी हमारा यहाँ क्या है, 100 है ना, तो सी कहाँ से आया, देखिए फ्रेंड्स ए जो है हमारा 100 है, बी जो है हमारा एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे 100 मैन ने एंट्री ले लिया था 35 डे पे, ठीक है। अगर ये मतलब नहीं आता तो एक कंडीशन आगे वाली मान लेते हैं कि चलिए अगर नहीं लेता तो 100 तो होता ही, तो इसी इंस्टेंट पे फ्रेंड आपको ये लगाना है। अब लगाना क्यों है इसे अच्छे से समझे, क्योंकि फ्रेंड यही एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ पर टाइम सेम होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसी टाइम पर चूँकि 35 डे में तो काफ़ी सारा काम करते हैं, यहाँ लगाइएगा तो आपको नीचे में वर्क डन जो हो चुकी है उसको भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इस इंस्टेंट फ्रेंड
कि जब नहीं है तब करना है, इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए पूछ रहा है, इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फ्रेंड्स एक बात बताओ कि ये जो 100 + 100 मैंस है ये कितने दिन काम किया? फ्रेंड्स 35 डे तो जा चुका है और काम करना था इसे 40 डे। महीने ने तो पहले ही इसने प्रॉमिस किया था कि हम काम को 40 डे में समाप्त करेंगे, चाहे हम जो नाटक करें, ठीक है। तो जो बचा हुआ दिन है फ्रेंड्स ये यही 5 डे करेगा, और इसके बारे में तो हमें पता नहीं है कि ये कितना डेज में करने वाला है। तो फ्रेंड्स देखो 100 + 100 क्या होता है, 200 × 5 = 100 × x। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x = s = 10 डेज। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर अगर ये 100 मैन होते तो उतना पार्ट काम को करने के लिए 10 दिन लगते, ठीक है। लेकिन इन 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 लोगों ने तो काम 5 ही डेज में ख़त्म कर रखा था, तो कितना दिन पहले हो गया फ्रेंड, तो 10 - 5 = 5 डेज, ठीक है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स ए ने 100 काम लेकर आदमी शुरू किया, 35 डेज तक फ्रेंड काम चला, उसने फिर 100 मैन को और ऐड कर दिया, और पूछ रहा है कि अगर 100 मैन को ऐड नहीं करता तो कितने दिन में, कितने दिन पहले काम ख़त्म हो जाता या फिर लेटर जो भी हो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ऐसा इंस्टेंट जहाँ पे बदलाव हुआ है उसको पकड़ें, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्टेप पर आप वो मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट लगा दें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कहता है कि अगर आपने नहीं लिया होता तो कितना, नहीं लिया होता मतलब क्या फ्रेंड्स, वहाँ पे तो काम आगे नहीं बढ़ रही है, तो उस इंस्टेंट में फ्रेंड्स आपकी जो वर्क डन है वो तो सेम है ना, तो इसीलिए आप मैन इनटू डे वहाँ लगा लो। तो 200 × 5 = 100 × x, तो फ्रेंड्स ये पता चलता कि 10 दिन में काम ख़त्म करता अगर ये नहीं होता, तो इतने तो 5 दिन में ये इन्होंने, अगर ये 100 मैन एक्स्ट्रा है तो 5 दिन में कर लिया, अगर 100 नहीं होता तो 10 दिन में होता, तो कितना दिन का डिफरेंस है फ्रेंड्स। अगर 100 आदमी नहीं लेता या 100 आदमी ले रहा है उस दोनों में, तो 10 - 5 = फ्रेंड्स 5 डे। तो काफ़ी सिंपल है कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पर लगानी है तो आप इसको VIQ करके 3 स्टार दे के इसे फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस में रहेंगे ताकि आप भूले नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं और इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। ए टीम ऑफ 27 मैन सपोज्ड ए वर्क फ्रेंड्स पीस ऑफ वर्क इन 36 आफ्टर 30 डेज 9 more men विल एडेड एट द वर्क एंड 3 डेज अर्लियर एंड फिनिश है फ्रेंड, ये फिनिश 3 डेज अर्लियर, फॉर हाउ मैनी डेज विल डिलेड इफ 9 more men विल नॉट एम्प्लॉयड। फ्रेंड देखो ये क्या है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ 27 मैन ने काम करना शुरू करा, अच्छा, और क्या बोल रहा है ये कि क्या बोल रहा है इसने 36 पीस ऑफ वर्किंग 27 में सपोज टू द, हाँ 36 डे में इसने काम करने का प्रॉमिस कर रखा था, और आफ्टर 30 डेज फ्रेंड 30 डेज तो चला गया, तो सिचुएशन बी आया, इसने नए और मैन को रख लिए और क्या था, 3 डेज फ्रेंड अर्लियर ही इसने काम कर दिया, 3 डेज अर्लियर इसने काम कर दिया। तो फ्रेंड्स 3 डेज अर्लियर काम किया मतलब कितना दिन में कर दिया, 33 दिन में ही कर दिया, ठीक है। तो 33 दिन, अच्छा फ्रेंड्स ये इन लोगों ने 33 दिन में ही काम कर दिया, बात को समझिएगा, ये तो और भी थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पे चला गया था ये, ठीक है फ्रेंड। इसमें तो 36 डेज जो था वो 36 डेज में इसको करना ही था, लेकिन ये जो नए मैन जो आ गए उन्होंने 3 डेज और पहले कर दिया काम ख़त्म, तो कितना दिन पहले काम ख़त्म कर दिया फ्रेंड, 36 - 3 33 डेज में ही काम ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स बड़ी ध्यान से समझिएगा, इसने जो नाटक किया जिसकी वजह से 33 डेज में ही कर दिया फ्रेंड, तो ये तो 30 दिन पहले ही कर चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो पार्टिकुलर बी सिचुएशन है, ये इसने कितना दिन काम किया, 3 ही दिन तो काम किया भाई, 33 में से 30 घटा दो, ये 3 दिन ही काम किया। तो सी सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स, कि इसने 9 मैन को जोड़ा ही नहीं, तो 9 मैन को अगर इसने नहीं जोड़ा तो फ्रेंड्स इसने क्या किया कि नंबर ऑफ मैन को उतना ही रखा जितना पहले था, तो कितना था पहले, तो भैया
27 था और ये कितना डे में कर रहा है नहीं पता, तो मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट लगा दो, 36 गुना 3 और इज इक्वल टू 27 गुना एक्स, 3 × 27 नौ चौका 36। तो फ्रेंड्स एक्स बराबर क्या आ गया आपका, 4 क्या है डे है कि आवर है, 4 डे है, चलिए 4 डे हो गया हम लोगों का। तो 27 मैन नहीं होते तो इन्हें चार, ये जो 9 मैन सॉरी अगर 9 मैन नहीं ऐड हुए रहते तो इन्होंने उस समय से काम करने, फ्रेंड्स क्या बोला था एक स्टेप आगे के लिए मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट लगा दो, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फ्रेंड 4 डेज। अच्छा अब 4 डेज हो गए, इट्स गुड कि 4 डेज हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हाउ मैनी डेज इट डिलेड, है ना। तो डिले की अगर बात करूँ मैं फ्रेंड्स तो काम तो कितना डे में होना था, ठीक है, तो 30 डेज तो इसने काम किया और फ्रेंड 36 है ना, हाँ 36 है, आफ्टर 39 मोर अगर नहीं होते तो इन्हें चार डेज में करना होता। तो फ्रेंड टोटल 36 डेज में करने थे, आप ध्यान से देखिए, इफ़ 9 अगर नहीं होते, 9 अगर नहीं होते फ्रेंड तो काम कितना दिन में ख़त्म होता, 36 दिन में ख़त्म होता। और इस ये जो जब ये मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट लगा रहा था हम लोगों ने, लगाया था हम लोगों ने, उस समय तक 30 डे तो कंप्लीट हो चुका था, तो कितना दिन में कंप्लीट होना था चाहिए था इसे, 6 दिन में, हो कितना गया फ्रेंड्स 4 दिन में, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 6 − 4 इज इक्वल टू 2 डेज, इसे मतलब जो है सो अर्लियर काम कर लिया क्योंकि इसे फ्रेंड 6 डेज लगना था और जो है सो अब इसे 4 ही डेज लग रहा है। तो मैं फिर से इसको फ्रेंड समझाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छे से सुनेंगे, इजी है कॉन्सेप्ट समझ में आया। ए ने 27 आदमी लेकर शुरू किया, 30 दिन बाद इसने 9 आदमी को बढ़ा दिया, सी वैसा सिचुएशन है जिसमें ये 9 आदमी नहीं होता, इस दोनों पे मैनी टू डे कॉन्सेप्ट लगा लो, 36 × 3 इज इक्वल टू 27 × 1 एस इज इक्वल टू फ्रेंड 4 डे आ चुका है। तो हमें इससे कंपेयर करना है कि फ्रेंड्स इस टाइम से कंपेयर करना है जब ये 9 मैन नहीं थे, तो 9 मैन नहीं थे तो फ्रेंड्स कब ख़त्म होता, 36 डेज में ख़त्म होता। आपने मैन इनटू डे कॉन्सेप्ट लगाते समय तक कितना काम तक पहुँच चुके हैं, 30 डेज तक पहुँच चुके हैं, तो बचा क्या फ्रेंड्स 6 डे। और जो चूँकि जब मैन है तो वो 4 डे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, जब मैन नहीं है तो 6 डे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो कितना डेज पहले कर लिया इन्होंने, तो भैया 6 − 4 इज इक्वल टू 2 डेज। तो आप फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आप इसे इससे टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, काफी आसान है। चलिए फ्रेंड्स, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी इन 20 डेज, दे वर्क टुगेदर इन 5 डेज, देन ए गोज अवे इन हाउ मेनी डेज, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इजी है ये कॉन्सेप्ट, इसे देखना, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25, ए फ्रेंड्स कितना डे में करता है, 25 डे में करता है, तो एक डे में फ्रेंड्स कितना कर लेगा, 1/25 पार्ट कर लेगा फ्रेंड्स। तो बी इन 20 डेज, बी कितना डे में फ्रेंड 20 डे में, तो 1 डे में फ्रेंड क्या कर लेगा, 1/20 पार्ट कर लेगा। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन 5 डेज देन ए गोज अवे फ्रेंड्स, तो बताओ ए मान लेते हैं क्या कि टोटल काम फ्रेंड्स एक्स डे में कंप्लीट हुआ, टोटल काम एक्स डे में कंप्लीट हुआ, जिसमें जो है सो एक्स डे सॉरी 5 डेज ए ने काम किया और एक्स, चूँकि टोटल जो काम है वो एक्स डे में ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स, टोटल काम जो है एक्स डे में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, टोटल काम फ्रेंड एक्स डे में मैंने मान लिया कि ख़त्म हो रहा है, तो और कह कर रहा है कि दोनों ने 5 आवर साथ काम किया, तो ए तो 5 आवर करेगा ही करेगा, और चूँकि टोटल काम ही एक्स डे में ख़त्म हुआ है, बी तो कभी गया ही नहीं ना, तो जितना दिन काम चला उतना दिन बी ने काम किया, लेकिन ए ने सिर्फ 5 आवर काम किया, तो चूंकि इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, सिर्फ बी पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क को कितना करा है। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले छोड़ो, पहले 5 डे में कितना पार्ट काम करेगा, 5/25, और एक्स डे में कितना बाई काम करेगा, 1/20 फ्रेंड, ये टोटल पार्ट कितना होना है, 1 होना है, देखो कितना जल्दी आ जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1 − 1/5 इज इक्वल टू 4/5
इज इक्वल टू एक्स बाई बीस इज इक्वल टू फोर बाई फाइव, पाँचों का बीस, एक्स इज इक्वल टू फ्रेंड्स 16 डेज, एक्स इज इक्वल टू फ्रेंड्स 16 डेज आपका ये आ चुका है। आप इसमें जरा सा भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो फ्रेंड तो टोटल वर्क तो 16 डेज का है, इसमें से 5 डेज तो इसने ए के साथ काम करा, क्वेश्चन में कह रहा है टुगेदर इन 5 डेज, तो बी ने अकेले कितना काम करा, 16 माइनस 5 अलोन टाइम ऑफ बी 11 डेज है ना। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप रेशियो मेथड बनाना चाहें तो आपका स्वागत है। ए 25 है, बी जो है सो 20 है, वर्क डन इन दोनों का क्या, सॉरी वर्क डन जो है इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो ऑब्वियस सा बात है कि कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 100 हो जाएगा। इफिशियंसी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए 4 और इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 बचे 100, तो 5 हो गया। ये 4 यूनिट पर डे, ये 5 यूनिट पर डे, लेट से कि ये इसने 5 डे काम किया और इसने टोटल एक्स डे काम किया, तो काफ़ी आसान है। 5 डे में इसने कितना यूनिट किया होगा 20 यूनिट, और एक्स डे में इसने कितना यूनिट किया होगा भाई 5x यूनिट, टोटल क्या है 100। तो 20 बराबर क्या, 20 प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 माइनस 20 80, तो x बराबर क्या हो गया फ्रेंड इसने 16। तो टोटल काम इसने फिर वही किया 16 डेज में किया, तो रिमेनिंग जो काम बी करने वाला है वो कितना 5 डे, तो इसने 7 काम करा है, तो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 डेज। तो आपको लिए मैंने फिर से फ्रेंड्स ये दोनों प्रोसेस में बना दिया है। आप इसमें जो है सो अब जैसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, आप देखें 20 वर्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। फ्रेंड्स देखिए 20 वर्कर कैन वर्क इन 30 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज एक्स वर्कर लीव द जॉब सो दैट वर्क इज कंप्लीट इन 35 डेज। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 वर्कर लीव द जॉब सो द वर्क कैन कंप्लीट इन 35 डेज, ठीक है। देन 20 आदमी कितना डे में करता है, मैन इन टू डे कितना डेज, एक चीज जान ले फ्रेंड्स, मैन इन टू डे जो है सेम वर्क के लिए M1D1 M2D2 MTD3 ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड पार्ट बाय पार्ट काम कर रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप इस तरह से इसे लिखें, ठीक है। जब कंजर्वेशन, सॉरी जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन फ्रेंड्स अगर करना होता है तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो 2 पार्ट में डिवाइडेड एनर्जी है उसकी इक्वल होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी आसानी हो रही होगी ये चीज़ समझने में। फ्रेंड्स ये जो होता है ना इसे हम लोग वर्क डन ही बोलते हैं, तो वर्क डन फिजिकल टर्म है जो कि एक ऑलवेज कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 वर्कर लीव, फ्रेंड्स तो आप एक बात बताइए, मान लेते हैं क्या कि एक्स डेज के बाद 5 वर्कर ने लीव कर दिया, ठीक है, एक्स डेज के बाद फ्रेंड्स 5 वर्कर ने लीव कर दिया, तो इस दोनों ने कितना यूनिट काम करा था, ये फ्रेंड्स कितना यूनिट है वर्क है 20x30 यूनिट वर्क है, ठीक है, ठीक है। तो एक्स डेज के बाद लेट से 5 ने वर्क छोड़ दिया तो इन्होंने 5x यूनिट वर्क करा, ठीक है। तो 5 ने तो छोड़ दिया 20 वर्कर में, तो बचे कितने वर्कर 15 वर्कर, और ये कितना दिन काम कर रहे हैं 35 डेज काम कर रहे हैं, तीनों ने कितना दिन वर्क करा, तो 35x15 डेज, तो फ्रेंड्स ये वर्क और ये वर्क दोनों मिलके इतना ही होना है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5x प्लस 15x35, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 5x प्लस 15 × 75 के 5 हासी 7 15 × 45 752 है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 600 माइनस 525 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ये, तो ये 75 इज इक्वल टू 5x 5 × 15 x बराबर हो गया फ्रेंड्स 15 डेज,
क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लिविंग एंड ज्वाइनिंग जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स देखिए, 33 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज इफ 44 मैन स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी डे वन वर्कर लीव, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, तो वहाँ तो फ्रेंड्स एक ही बार छोड़ा था, तो हम लोग M1D1 M2D2 इज इक्वल टू करके निकाल लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ देखें कि फ्रेंड्स आप एक चीज़ निकाल लें कि जो इक्वेशन के जो करना है वो क्या है, 33 मैन कितना डे में कर देता है, 30 डे में। तो फ्रेंड ये टोटल कितना यूनिट काम करना है, इसे 990 यूनिट वर्क डन करना है ना। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लें, इसी के बराबर ना कुछ करिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैन लिख लें और यहाँ पे आप इसे कितना डे लग रहा है उसे लिख लें। तो और फ्रेंड्स जो इंटरवल है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एंड टुगेदर एवरी डे, एवरी डे मतलब क्या होता है, ईच और वन वर्कर। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपके पास कितने वर्कर थे, 33 मैन थे 30 डे, ठीक है। तो इसने कितना वर्क डन करा होगा, इसने कितना वर्क डन करा होगा, आप बताइए। तो 990 ही होगा ना, क्योंकि जो जितना यूनिट है वो तो ये आपको दे दी होगी। तो फ्रेंड्स अब जो इंटरवल दी हुई, उसी इंटरवल पे काम करना है। तो मैन और डे इस तरह से आप लिख लें, या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख दें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स आपको ये इक्वेट करनी है, आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, बात बराबर है। अब आप एक लाइन दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम लोग काम करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो डेज है ना वो आपको अब सिर्फ इंटरवल लेना, अगर इंटरवल इसने एक डे का दे दिया तो आप हमेशा एक डे पे ही काम करेंगे, इंटरवल 50 डे देगा तो 50 डे पर ही काम करेंगे। इसमें अब कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप सुनते जाइए, ठीक है। इंटरवल ये डे के जगह बस आप इंटरवल ले लें, ठीक है, डे के जगह आप इंटरवल ले लें कि कितना डे है। अच्छा फ्रेंड्स और एक टाइप दिया होगा कि 44 मैन स्टार्टेड, 44 मैन कितना स्टार्ट किया, 44 मैन। फ्रेंड 44 मैन अगर एक दिन काम करता है तो 990 में से कितना काम कर लिया, 44 काम। फ्रेंड नेक्स्ट डे कितना काम, वर्कर बोल रहा है एक को लीव कर दे रहा है, 43 फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 43। फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, और नेक्स्ट डे एक और कम हो जाता है फ्रेंड, तो 44 × 1 मैंने फ्रेंड्स इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि इस दोनों का गुना करके हम लोग को यहाँ लिखना है, उसी तरह से मैन इंटू डे गुना करते रहेंगे, और डे फ्रेंड्स सिर्फ इंटरवल को लेना है, ठीक है। 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 41। तो फ्रेंड्स लेट से ये एन टर्म्स तक जाएंगे, ये भी एन टर्म्स तक जाएगा, और ये तभी तो ख़त्म होगा ना जब ये 990 यूनिट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अगर आप AP पढ़े होंगे तो 44 + 43 + 41 up to n terms तक कब तक जाएंगे कि समेशन जो ये कब तक जाएंगे फ्रेंड्स, कि ये जो ये है इस पूरे की समेशन वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 990। जब तक जाएंगे तब तक n तक जाएंगे फ्रेंड्स, जब तक कि ये 990 ना हो जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे n/2 × 2a + n - का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 43 − 44 − 1, तो n/2 × 2a + n - 1 × d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 990। तो n की फ्रेंड्स तो आपको पता नहीं है वैल्यू, 2 × a क्या है फ्रेंड्स, 44 प्लस n क्या है, n तो पता नहीं है, n − 1 − 1 इज इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 990। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ जाएगा, n² − 89x + 1980 = 0, ठीक है, n है सॉरी x नहीं है n है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पे सॉल्व करेंगे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, -44 -45
हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों की सम जो है सो 89 भी है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 98 भी आ जाएगी। तो जो हम लोग आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स, वो 44.45 होगी, है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास दो पॉजिटिव आंसर्स हैं, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्या है, यहाँ माइनस है, तो आंसर लिखते समय क्या होता है, ये इसका अपोजिट, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 45 तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम इसने 44 से ही शुरू करा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, 44 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा, अगर प्रत्येक दिन एक एक आदमी जो है सो लीव करता है। तो उसी तरह से फ्रेंड आप यहाँ पे मैन लिख लीजिए और डे लिख लीजिए। 40 मैन कंप्लीट करता है 40 दिन में, 40 मैन फ्रेंड करता है 40 दिन में, कितना हो गया फ्रेंड, टोटल 1600। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट 5 मैन केप्ट ऑन लिविंग जॉब एवरी 10th डे। फ्रेंड्स एक लाइन पढ़िए, 10 डे क्या है, 10 डे ये इंटरवल आपको अब लेते रहना है, इंटरवल 10 डे कितना, इफ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है सो 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप बात समझ रहे हैं ना, यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स वो 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ इसने 44 कहा था, ठीक है, इस दोनों को गुना करिए, 400 हो गया, है ना फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑलवेज इंटरवल ही लिखना है, 10 के आदमी कि 20 कर दीजिएगा, और फिर 40 के आदमी कितना आदमी छोड़ दिया फ्रेंड्स, बोलिए कितना आदमी जो रहा है, 5 आदमी, तो 35 कितना हो गया फ्रेंड, 350। फिर फ्रेंड क्या है, ये 30 हो जाएगा, आ इंटरवल तो 10 से लेना है, तो कितना हो जाएगा, 300, है कि नहीं। अच्छा फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फ्रेंड्स बोलिए, इफ एवरी 10 डेज हाउ मेनी वर्क विल बी कंप्लीटेड। हाँ, तो फ्रेंड्स ये अगर इसका समेशन अगर फ्रेंड्स 1600 हो जाए, 1600 हो जाए तो उस समय हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो ये क्या है फ्रेंड्स बताइए, अब देखिए 400 है, 350 है, 300 है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, घटते जा रहा है 50-50 से, घटते जा रहा है ना। तो एपी का सम आप उसी तरह से निकालेंगे, 350 है, 300 है, पता नहीं कौन से एन लेट से एम टर्म्स का जो समेशन वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, हम लोग ले लेते हैं 1600। तो आप लिख लीजिए 400/2, फार्मूला आपको पता है, 2a 800 प्लस n-1, n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -50 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू, सॉरी n/2, 400 कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, n तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहले जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, तो इस वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि आप इसे बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करें, बिकॉज फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये था कि ये काफ़ी छोटी छोटी संख्याएँ थी, पता नहीं चल रहा था कि कितना बार ऐसे जोड़ेंगे कि ये 990 हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 400 है, 350 है, 300 है, तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे जो संख्याएं हैं ये जो है सो आपको 1500 से या 1600 तक ले जा सकती है, जैसे 400 है, 300 है, 350 है, 750 हो गया फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, 1550 हो गया। देखिए 400 प्लस 350 कितना हो गया, 750 प्लस नहीं हो गया 1050, है ना। अच्छा उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, 250 होता है, और क्या होता है फ्रेंड्स 200, तो चलिए जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11 4 1500 फ्रेंड्स। तो सबसे नज़दीकी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इसका फ्रेंड समेशन कितना है, 1500 है ना, 1500। अच्छा इसका नेक्स्ट के बाद 200 के बाद आप क्या लीजिएगा, सॉरी 150 लीजिएगा, तो 1500 प्लस 150 क्या हो जाता है फ्रेंड, 1500 में अगर 150 जोड़िएगा फ्रेंड तो 1650 हो जाता है, तो ये एक्सीड कर गया फ्रेंड्स। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब एक्सीड कर गया मतलब हमको यहीं तक रुकना है, यहीं तक रुकना है ना जी। तो ये फ्रेंड 10 डे है, ये 10 डे है, ये 10 डे है, ये 10 डे है, और ये भी 10 डे है, 1 2 3 4 5, 50 डे तो भाई यहीं पर पुड़ गया है, ठीक है, 50 डे तो यहीं पर पुड़ गया है।
यहाँ कर रहा था 40, यहाँ कर रहा था 35, यहाँ कर रहा था 30, यहाँ कर रहा था 25, यहाँ कर रहा था 20, यहाँ पर कर रहा था 20, ठीक है, यहाँ कर रहा था फ्रेंड 15, ठीक है। तो यहाँ तो अभी से 100 यूनिट काम करना है, क्योंकि 1500 के बाद तो हमको बस 100 यूनिट काम करना है, तब तो 1600 पूरेगा ना फ्रेंड। तो यहाँ तो 15 आदमी काम कर रहा था, 15 आदमी कितना डे में फ्रेंड 100 यूनिट काम कर लेगा, यही तो निकालना था। 15 आदमी कितना दिन में फ्रेंड 100 यूनिट कर लेगा, 5 × 15, 5 × 20, x बराबर क्या हो जाएगा, 20/3। तो फ्रेंड देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 50 देश तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। और एक्स्ट्रा कितना लिया इसने करने के लिए, 20/3। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, 56.66 डे। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इसे हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व किया। आप यहाँ पे एन निकालने, एन अगर कोई इस प्रोसेस जाएगा तो फंस जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर जब भी जो डेटा आ रहा है वो अगर काफ़ी क्लोज है तो फ्रेंड उसे आप क्लोजनेस से वो उसे सम करके बनाएं। जैसे 10 डे 400 के इंटरवल, और मैन को घटाते जाना है, गुना करते जाना है, वही कर रहा है मैंने, 400, 350, 300, फिर 250, 200, अगर 150 आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 600, 1650। तो ये तो करना नहीं है। तो नियरेस्ट कितना है, 1500 तक। 1500 के लिए फ्रेंड्स कितना लगा है, 50 दिन समय लगा है। तो 100 यूनिट करने के लिए अब कितना आदमी है नेक्स्ट हमारे पास, 15 आदमी है। तो 15 × x = 100, तो 50 + 20/3 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 56.66। तो ये कितनी अच्छी क्वेश्चन थी, आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने लिविंग एंड ज्वाइनिंग पे जो है सो अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिया, और ये लास्ट क्वेश्चन करके इस सेशन को समाप्त करते हैं हम लोग। और ये तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। मैन इन टू डे पे ये काफ़ी आसानी से बन जाएगी। हम लोग इसे चूँकि लास्ट क्वेश्चन है तो फिर से इसे दो प्रोसेस से देख लेते हैं। मुझे तो फ्रेंड्स क्या है, 250 स्टूडेंट है ना, कितना डे में ख़त्म करता है, 35 डे के लिए है। तो एक डे में फ्रेंड वो कितना पार्ट ख़त्म कर लेता है, 1/35 पार्ट। अच्छा तो कितना, 250 स्टूडेंट है, तो फ्रेंड एक स्टूडेंट कितना कर लेगा, एक स्टूडेंट के लिए फ्रेंड क्या लगेगा, 1/35 × 250, 1/35 × 250, ठीक है, 250 पार्ट खाता। कौन कितना स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना दिन में, एक दिन में है ना, एक स्टूडेंट कितना दिन में फ्रेंड, एक डे में, क्योंकि एक डे का देखिए 250 स्टूडेंट 35 दिन में करता है, तो एक दिन में 250 स्टूडेंट 1/35 पार्ट खाएगा। तो एक स्टूडेंट फ्रेंड कितना में, 1/35 × 250, ठीक है। लगातार बेस पे फ्रेंड्स गुना करते जाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना नहीं सोचना है एग्जाम के समय, डायरेक्ट बेस पे गुना करते जाइए, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है कि आफ्टर 5 डेज फ्रेंड, तो 5 डेज में 250 स्टूडेंट ने कितने, 250 स्टूडेंट तो 5 दे रहते हैं ना, तो 250 स्टूडेंट फ्रेंड 5 डेज में ये कितना खा जाएंगे, 250 स्टूडेंट की बात करूँ तो 5/35 मीन्स 1/7 पार्ट ये खा के ख़त्म कर चुके होंगे फ्रेंड्स। अब क्या है, 25 स्टूडेंट फिर से आ जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 275 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे। 275 स्टूडेंट्स फ्रेंड कितना दिन तक हैं, 10 दिन तक खाते हैं, 10 देर तक खाते हैं, कितना, 275। तो फ्रेंड्स एक स्टूडेंट एक दिन दिन में कितना खाता है, 1/35 × 250, ठीक है। तो 250 275 लोग कितना खाएंगे एक डे में, 275 से गुना कर देंगे, 10 दिन में कितना खाएंगे, क्योंकि ये 10 दिन तक तो रह रहे हैं ना। तो फ्रेंड देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है, 25 से 25 11 से कट जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ क्या हो गया, 11/35। तो फ्रेंड्स अभी तक टोटल कितना पार्ट ख़त्म हो गया, 1/7 + 11/35। 1/7 को हम लोग 5/35 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये 11/35 है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 16/35। इतना ये ख़त्म हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है फ्रेंड, 1 - 16/35 मतलब 19/35
35, अब कहता है फिर से 25 ने छोड़ दिया, तो फ्रेंड्स रिमेनिंग पार्ट तो इतना ही को खाएगा ना जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, तो 250 बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट कितना दिन में खाते हैं, मान लेट से एक दिन में खाते हैं, ठीक है 250 स्टूडेंट है कितना दिन में खा लेते हैं, एक दिन में खा लेते हैं, तो एक स्टूडेंट कितना पार्ट खाता है फ्रेंड, तो 1/35 × 250 खाता है, और ये कितना पार्ट खाएगा, ये 19/35 पार्ट ही तो खाएगा, तो फ्रेंड 250 से 250 चला गया, ये 35 से 35 चला गया, x बराबर फ्रेंड 19 आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोगों ने बाई कॉन्सेप्चुअली इसे फाइंड कर लिया है। तो चलिए ये हमारा मेथड 1 है, और हम लोग इसे थोड़ा सा शॉर्टेस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ये विदाउट थिंकिंग बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे लगाइएगा वो, तो आप मैं इसके लिए बता दूँ, देखिए फ्रेंड्स 250 जो है, 250 जो स्टूडेंट है वो कितना दिन खा रहे हैं, 30 डेज खा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए जो 275 स्टूडेंट जो है वो कितना दिन तक खाया, 10 दिन तक खाया, और फिर मान लेते हैं 285 स्टूडेंट बचा ना, एक दिन तक खाया, चलिए समझ में आ रहा है ना बात, ये टोटल है इतना यूनिट, इतना यूनिट को 275 ने 10 दिन तक खाया, और फिर बचे हुए 250 ने इसे एक दिन तक खाया, तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग आंसर निकालेंगे इसे, तो आप 15 + 3 कितना हो जाएगा, 7500 = 2750 और प्लस 250 एक्स, तो फ्रेंड यहां से आपका क्या हो जाएगा, 2750, ठीक है। यहां से फ्रेंड आप इसको क्या, 7500 - 2750 = 250x करेंगे, तो फ्रेंड इसका क्या आ जाएगा, घटाइए तो 50 50 100, तो फ्रेंड्स 50 और 5 5 और ये 47, तो हो गया ये फ्रेंड्स इससे काट दीजिए ये 19, तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ से आपका 19 आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कॉन्सेप्चुअली कितना इजी हो जाता है, और आप ये जो सॉरी ट्रिक के हिसाब से, और ये कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया है ताकि जो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं बच्चे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड ये इतना यूनिट हो गया 275 जब एक्स्ट्रा हुआ तो कितना दिन तक खाया, 10 दिन तक, फिर हट गया तो वो कितना दिन तक खाया, मान लीजिए एक दिन तक खाया, तो वही ना एक्स का वैल्यू आपको निकालना था। तो फ्रेंड्स तो इस ये लिविंग एंड ज्वाइनिंग सेशन में फ्रेंड्स इतना ही, और हम लोग अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उस पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग कुछ मिसलेनियस और आपको वो जो वेजेस संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी जो है इस अच्छे से कॉन्सेप्ट से अवगत हो सके और आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।